जो चीज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट टाइम का लेक्चर अगर आप लोग रिवाइज करें तो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था कि वो किस पे डिपेंड करती हैं। दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो उनमें पहली जो प्रॉपर्टी थी दैट इज़ द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ लेट मी रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेपर प्रेशर। के वेपर प्रेशर क्या होता था? हमारे पास वी हैड अ सिस्टम जिसके अंदर एक लिक्विड था। इस लिक्विड की ओपनिंग आपने बंद कर दी और इसको एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर से 30°C मैंने अपने सिस्टम को मेंटेन किया। इसमें से क्या होगा, इसकी सरफेस में से कुछ मॉलिक्यूल्स एस्केप होंगे और वो आ जाएंगे आपके पास वेपर फेज के अंदर। अब यहाँ पर आपके पास इसके मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स। ऊपर से आपका सिस्टम क्लोज्ड है, क्लोज होने की वजह से दीज वेपर्स कैन नॉट गो अवे। ये वेपर्स यहीं पे रहेंगे। ये वेपर्स की मौजूदगी, चूंकि ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये रैंडमली मूव करेंगे तमाम डायरेक्शंस में, और एक डायरेक्शन ये है, ये वॉल ऑफ कंटेनर है, ये भी वॉल ऑफ कंटेनर है, ये भी वॉल ऑफ कंटेनर है, लेकिन जो चौथी सरफेस है दैट इज़ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो आपका जो वेपर फेज में मौजूद मॉलिक्यूल है वो वापस आके आपकी सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ऊपर टकराएगा, और इसके टकराने की वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा दैट प्रेशर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। और ये बात हम आज से पहले कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, और वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपके माइंड्स में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब होता क्या है, अब हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया है। अब हम जो है सॉल्यूशन बनाने की तरफ जा रहे हैं। नॉर्मल केस ये था जो हमने स्टडी किया कि आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल जो से हैं वो मौजूद थे बल्क में। दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ हेयर। और इसी तरह नीचे तमाम के तमाम जो से हैं वो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। दिस इज़ द बल्क ऑफ द लिक्विड। अब क्या होगा, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उठ के आपके पास सिस्टम में चले जाएंगे। जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो क्या करेंगे, वो वेपर बन जाएंगे, वो वेपर की फॉर्म में आएंगे, और यही वेपर उसी तरह नीचे आके इस सरफेस के साथ टकराएगा, तो हमारे पास एक वेपर प्रेशर जो है वो डिवेलप हो जाएगा। सपोज़ हम कहते हैं जी कि इसका वेपर प्रेशर था 100 torr, हम सपोज़ कर लेते हैं एक वैल्यू। अब हमने क्या किया, अब हमने इसका सॉल्यूशन बना दिया। इसी लिक्विड के अंदर हमने अब क्या किया, हमने डाल दिए अपने पास अब ये हमारे पास बल्क था क्वांटिटी। इस बल्क क्वांटिटी में क्या हुआ, हमने ऐड कर दिया एक सॉल्यूशन। और ये जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ दीज आर दी पार्टिकल्स ऑफ दी सॉल्यूट। ये जो ब्लैक डॉट्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग दी पार्टिकल्स ऑफ दी सॉल्यूट। और आपके पास जो दीज आर दी पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या हुआ, जाहिर सी बात है पहला केस ये था जिसके अंदर ये वाली सरफेस लेयर थी, दिस इज वाज दी सरफेस लेयर, और ये तमाम की तमाम सरफेस लेयर जो थी ये मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रही थी। अब जो सरफेस लेयर है सॉल्यूशन के केस में, इसके अंदर सिर्फ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, बल्कि ये ब्लैक वाले अब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए। अब सरफेस के ऊपर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी की वजह से द चांसेस ऑफ एस्केपिंग द मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स के एस्केप करने का जो चांस है वो इन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी की वजह से कम हो जाएगा। अब कम होगा तो कम पार्टिकल्स सॉल्वेंट के उड़ के इधर आएंगे, और कम आएंगे तो वापस भी कम आएंगे, तो हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर में कमी वाकया होगी, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर वाकया होगी सॉल्यूट के ऐड होने की वजह से। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू
टू अंडरस्टैंड कि आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों होती है, क्योंकि अगर आप फोर्थ चैप्टर के इवेपोरेशन को हम स्टडी करें तो हमने पढ़ा था जी इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। कभी आप ज़मीन पे पानी गिरे या किसी जगह पे पानी गिरे, आप उसको फैला देते हैं किसी चीज़ से, अपने हाथ से या किसी भी चीज़ से, फैलाने से क्या होता है, वो जल्दी खुश्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया फैलाने से बढ़ जाता है। तो चूंकि ये सरफेस फिनोमेना है और अब सरफेस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सोल्यूट के भी ऐड हैं ब्लैक वाले, जो कि क्या करेंगे उसकी बाहर निकलने की टेंडेंसी को कम कर देंगे, उसके जो चांसेस हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के एस्केप करें इस लेयर में से, वो कम हो जाएंगे क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी अब मौजूद हैं। तो हम कहते हैं जी कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो गई है, वेपर प्रेशर में कमी वाकया हो गई। तो दिस वाज दी साइंस या केमिस्ट्री बिहाइंड द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ। हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो उससे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं, जो कि आपकी बुक में भी गिवन है। नाउ राउल्ट्स लॉ की हमने तीन डेफिनेशन स्टडी की थी और उनमें से एक डेफिनेशन क्या कहती थी कि दी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। दिस वॉज द थर्ड डेफिनेशन एंड द लास्ट डेफिनेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। अगर आपको रिकॉल है तो अच्छी बात है, अगर इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस तो आप राउल्ट्स लॉ के टॉपिक को रिकॉल करें, उसको जाके दोबारा से देखें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इसमें थर्ड डेफिनेशन थी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह की थी, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू द एक्स टू। ये चीज़ आप इसको लेके, इस इक्वेशन को लेके हमने आगे चलना है। तो ये इक्वेशन कहाँ से आई है, इसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड्स में क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ एक्स टू इज दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन किस तरह निकलती थी, एक्स टू मस्ट बी इक्वल टू दी एन टू ओवर एन वन प्लस एन टू, ये निकलती थी जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू कंपोनेंट, अगर आप टू की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो वो इक्वेशन यही बनती है, एन टू ओवर एन वन प्लस एन टू। अब इसको मैं ऊपर वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर दूंगा, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एन टू ओवर एन वन प्लस एन टू। अब आप रिवाइज करें अपने प्रीवियस टॉपिक को, जिसमें हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कंडीशंस पढ़ी थी, और पहली कंडीशन क्या थी, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, ये कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट के अंदर एक थोड़ी सी क्वांटिटी मैं सॉल्यूट की डाल दूं। फॉर एग्जांपल मैं एक बाल्टी पानी की लेके उसके अंदर मैं सपोज कर लें कि मैं 40 ग्राम NaCl डाल देता हूँ, तो ये बड़ा NaCl का बहुत ज़्यादा जो है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। और जबकि दूसरी तरफ अगर मैं 1 लीटर के अंदर इसके 40 ग्राम डाल देता हूँ तो वो मेरे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट का मतलब है कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, और जब सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे एन वन, और एन टू क्या होगा, एन वन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होगा। जाहिर सी बात है कि सोलवेंट बहुत ज़्यादा है तो सोल्यूट उसके मुकाबले में बहुत ही कम होगा। इसको आप इस तरह से समझें कि मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत एक बाल्टी के अंदर अपना सोल्यूशन बनाया, बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन मेरे पास मौजूद है। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है कि एन वन जो है वो मेरे पास है जी 100 मोल्स, और एन टू जो है वो मेरे पास है जी 0.1 मोल।
तो मेरे पास एन वन प्लस एन टू क्या होगा, वो हो जाएगा 100.1। तो 100 मोल और 100.1 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो हम कहते हैं एन टू की क्वांटिटी चूँकि इसकी निस्बत डाइल्यूट सॉल्यूशन में बहुत ही कम है, तो हम एन टू को इग्नोर कर देते हैं और इसको ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाएं। तो हम यहाँ पे एन टू को इग्नोर कर देंगे, तो इक्वेशन की जो शक्ल आएगी दैट इज़ डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज़ इक्वल टू एन टू ओवर एन वन। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर ए कह लें इसको फॉर द टाइम बिंग। डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज़ इक्वल टू एन टू ओवर एन वन। अब चैप्टर नंबर वन को रिकॉल करें, मोल की डेफिनेशन क्या थी? मोल का फॉर्मूला था जी, मोल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय दी मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। इस फॉर्मूले को हम पुट करते हुए एन वन और एन टू की वैल्यूज निकाल लेंगे। अगर डब्ल्यू वन इज द मास ऑफ द एन वन हमारे पास सॉल्वेंट है, एन टू हमारे पास सोल्यूट है, तो अगर डब्ल्यू वन इज द वेट या मास ऑफ द एन वन ऑफ द सॉल्वेंट और एम वन जो है उसका मॉलिक्यूलर मास है, तो एन वन का फॉर्मूला ये बनेगा। सिमिलरली एन टू का फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू टू ओवर एम टू। इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के मैं अपनी इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन ए। तो ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू टू ओवर एम टू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन ओवर एम वन, क्योंकि इक्वेशन थी डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एन टू ओवर एम वन। अब आपके पास इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा डब्ल्यू टू ओवर एम टू मल्टीप्लाई बाय एम वन ओवर डब्ल्यू वन एंड दिस इज डेल्टा पी ओवर पी नॉट। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को एम टू के लिए जो है वो सेपरेट कर लूँगा। एम टू के लिए जब मैं इसको सेपरेट करूँगा तो ये एम टू उठ के इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो इक्वेशन मेरे पास बनेगी एम टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू इंटू एम वन ओवर डब्ल्यू वन। ये चीज़ें तो वैसे की वैसे ही, एम टू की जगह ये पूरी टर्म आएगी, ये पूरी टर्म आएगी, तो वन ओवर में मैं इसको लिखूंगा डेल्टा पी ओवर पी नॉट, पी नॉट। और ये पी नॉट अब चूंकि डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर आ जाएगा और मेरे पास जो फाइनल फॉर्म आएगी वो आएगी एम टू इज इक्वल टू पी नॉट ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू टू इंटू एम वन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हमने यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमने एम टू के लिए इसको सेपरेट क्यों किया, हमने किसी और चीज़ के लिए सेपरेट क्यों किया? तो नॉर्मली दीज इक्वेशंस आर यूज्ड टू फाइंड आउट दी मॉलिक्यूलर मैस ऑफ दी सोल्यूट। चूंकि हमने मॉलिक्यूलर मैस ऑफ दी सोल्यूट फाइंड आउट करना होता है नॉर्मली, तो ये क्वेश्चन हमारे हेल्प करती है किसी भी सोल्यूट का जो आपने जिसको डाल के सोल्यूशन बनाया है उसका हम मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करें। अब इस इक्वेशन को यूज़ करने की एक्सरसाइज के तौर पे आपकी बुक की जो एग्जाम्पल है उसको हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 की स्टेटमेंट कहती है जी, द प्योर बेंजीन हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ, गिवन डाटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हुए। वो कह रहा है कि आपके पास जो गिवन डाटे में स्टेटमेंट उसकी कहती है कि द प्योर बेंजीन हैज़ द वेपर प्रेशर ऑफ 122। तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्योर दैट इज़ इक्वल टू द पी नॉट। जाहिर सी बात है पी नॉट अगर आप रिकॉल करें तो वो प्योर का वेपर प्रेशर होता था, ये है जी 120 टॉर, 122 टॉर एट 32 डिग्री सी। टेम्परेचर आपके पास 32 डिग्री सी गिवन है। फिर वो कहता है जी व्हेन 20 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट,
तो आपको क्या मिल गया, मैस ऑफ सोल्यूट। मैस ऑफ सोल्यूट क्या होगा, ये होगा डब्ल्यू टू। डब्ल्यू फॉर वेट हमने लिया था इक्वेशन में। इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से ताकि आपके लिए इसको रिलेट करना आसान रहे। पी नॉट ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू टू इंटू एम वन ओवर डब्ल्यू वन। अब मास ऑफ सोल्यूट इज डब्ल्यू टू, दिस फैक्टर ये आपको गिवन है। उसने कहा जी 20 ग्राम हमने नॉन वॉलेटाइल के डाले हैं, वट डिजोल्ड इन 300 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। तो मास ऑफ बेंजीन भी आपको गिवन है। मास ऑफ बेंजीन ये है जी डब्ल्यू वन, जो कि आपके पास 300 ग्राम्स है। अब नेक्स्ट वो कहता है जी अ वेपर प्रेशर ऑफ 120 टॉर वाज ऑब्जर्व। कह रहा है जी जो ऑब्जर्व किया ये ग्राम्स को सोल्यूट के, 20 ग्राम सोल्यूट को इसके अंदर डालने के बाद जो नया वेपर प्रेशर आया, न्यू वेपर प्रेशर, वो था जी 120 टॉर। तो हमारे पास ये जो डेल्टा पी है वो कैसे निकलेगा, डेल्टा पी विल बी इक्वल टू 122 माइनस 120। तो 2 टॉर का फर्क आया, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर आ गया जी 2 टॉर्स। अब वो कहता है जी आपने कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड इज दी कैलकुलेट दी मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है जी एम टू, इसको हमने फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। अब हम देखते हैं इस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। पी नॉट इज़ द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दैट इज़ गिवन। डेल्टा पी आपने निकाल लिया 2 टॉर। डब्ल्यू टू जो है आपको 20 ग्राम गिवन है। डब्ल्यू वन आपको 300 ग्राम गिवन है। एम वन की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन एम वन की वैल्यू के लिए उसने आपको सोल्यूट सोलवेंट का नाम बता दिया है, दैट इज़ बेंजीन। तो बेंजीन चूँकि आपके पास C6H6 होती है, तो यहाँ से आप एम वन की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 78 आती है। लेकिन आप अगर अपने एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ें तो उसने एंड पे मेंशन कर दिया है कि मॉलिक्यूल मास ऑफ बेंजीन इज 78.1। तो अब हम अपने रिक्वायर्ड की सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। आपके पास इक्वेशन मौजूद है और इक्वेशन में डालने वाली तमाम चीज़ें भी जो हैं वो मौजूद हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू पुट देम एंड फाइंड आउट दी आंसर। तो एम टू जो है आपके पास वो बराबर है पी नॉट ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू टू ओवर डब्ल्यू वन मल्टीप्लाई बाय एम वन। नाउ पी नॉट इज 122 टॉर, डेल्टा पी हमारे पास 2 टॉर निकला था, डब्ल्यू टू उसने 20 ग्राम सोल्यूट के डाले थे किसके अंदर, 300 ग्राम ऑफ डब्ल्यू वन जो सोलवेंट का मास था, और एम वन हमें पता है बेंजीन का 78। तो यहाँ से हम एम टू निकाल लेंगे विच कम्स आउट टू बी 317.6 ग्राम्स पर मोल। तो दिस इज हाउ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वर्क, कि ये हमें सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने में जो है वो मदद देती हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टी थी, उसको हमने जो है वो स्टडी किया है विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। तो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक।